हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो देखिए, आपको तो पता है कि हमारा जो चैनल है, यानी कि आपका और मेरा ये चैनल जो है अरहान एंटरटेनमेंट, ये बेसिकली हम सबका चैनल है। और अभी हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले, लेकिन आप लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना कमेंट करते हो, मतलब इतनी मोहब्बत देते हो कि ऐसा लगता है कि मेरा 5000 नहीं बल्कि 5 लाख सब्सक्राइबर है। तो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। खैर, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ये मूवी को मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है हिमांशु, उन्होंने कहा था कि भाई आप ये मूवी को एक बार जरूर देखना, आप रिग्रेट नहीं करोगे या आप कह सकते कि डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेकिन भाई, मैं ये जब फिल्म देखा तो तब मैंने तुरंत ये चीज सोचा कि नहीं, इसका तो रिव्यू बनता है। क्यों मालूम है? कुछ ऐसी फिल्में होती है जिसके बारे में हम लोग नहीं पता कर पाते। क्यों? लैंग्वेज वजह हो सकती है, बहुत सी दूसरी वजह होती है। लेकिन अब हमारे चैनल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उन फिल्मों को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और आप तक ही पहुंचाएंगे। अब आपके ऊपर है कि सब फिल्में देखना है या नहीं देखना है। लेकिन वाकई में मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि देखिए, ये फिल्म की कहानी फिक्शनल है लेकिन जो ये मैसेज देती है ना, वो बहुत बढ़िया देती है, बहुत ही बढ़िया देती है। और यहाँ पर दूसरी एक जो खास बात है इस फिल्म को देखने की, वो है एक लेडी यानी कि औरत जिसने अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, दुख दर्द, क्या क्या बर्दाश्त किया। और ये फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको उसका दर्द महसूस होगा। यूं तो एक फिक्शनल कहानी, अगर आप सोचोगे कि ये रियल में ये लेडी होती और वाकई में उसके ऊपर ये सब चीजें होती तो सोचो वो क्या महसूस करती। तो बस यही कुछ चीजें ना इस फिल्म को बहुत खास बनाती है। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी अवार्ड जीते हैं और ये नॉमिनेट भी हुई थी ऑस्कर के लिए, मतलब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। खैर, आज हम लोग इस मूवी के, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊंगा ताकि आप लोग ये फिल्म को जरूर देखना। और मुझे पता है मेरे इस वीडियो के बाद काफी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए, जो अच्छी चीजें होती है उसके लिए लैंग्वेज मस्ट सोचो यार। चाहे वो देखे, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग बॉलीवुड, मैं देखो मुंबई में रहता तो मैं बॉलीवुड फिल्में बचपन से देखता है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि साउथ की फिल्में, वो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो सैंडलवुड हो, जितने भी इंडस्ट्री है वो फिल्म अच्छी बना रहे। मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, खुलेआम सपोर्ट करता हूँ। आपको तो पता होगा। खैर, हम लोग इस मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है इंसेंडिस, हिंदी में बोले तो आग, इंग्लिश में बोले तो फायर। तो कहानी शुरू होती है दो जुड़वा बच्चों से जिनकी माँ की मौत हो चुकी है। तो उनकी माँ मरने से पहले दो लेटर छोड़ के गई, एक लेटर में उनके पहले बेटे के बारे में लिखा रहता और दूसरे लेटर में उनके हस्बैंड के बारे में लिखा रहता। तो दोनों ही बच्चे सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को क्या लगता है कि इनकी माँ के पहले कोई बच्चा नहीं था, और जो इनके फादर के बारे में इनकी माँ जो जिक्र कर रही है, इनको लगता था कि इनके फादर की मौत हो चुकी है। लेकिन दोनों ही जिंदा रहते और दोनों को ढूंढने के लिए माँ दो लेटर लिखती। अब इनकी मॉम की आखिरी ख्वाहिश यही है कि किसी भी तरीके से इनके दोनों बच्चे उन दोनों को ढूंढ ले। तो क्या ये दोनों बच्चे उनके भाई फादर को ढूंढ पाएंगे? बेसिकली यही कहानी है। और ये कहानी जितनी सुनने में इजी और सिंपल से लगती है ना, ये कहानी उतनी इजी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में बताया कि वो चीजें हैं जो मतलब आपको झिंझोड़ देगी, आपको एकदम मतलब हैरान कर देगी। क्योंकि यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट में आपको देखने को मिलता है कि पास्ट में वो जो लेडी यानी इनकी मॉम जब वो जिंदा थी तो उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में देखा और क्या क्या सिचुएशन से वो गुजरी, क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार हुए, क्या नहीं देखा उन्होंने, वो आपको उनकी पास्ट लाइफ में देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट में ये दोनों बच्चे किस तरह से अपने भाई और अपने फादर का पता लगा रहे, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन जो एंड में ट्विस्ट है, वो भाई ट्विस्ट जानने के बाद आप क्या मतलब समझ रहे, पैरों तले जमीन हट जाएगी और आप लोग सोच ही नहीं सकते कि भाई ये इसका एंडिंग है। मैं खुद शॉक हूं कि मैं इतनी सारी फिल्में देखा लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा कि इस तरह से मुझे एंडिंग देखने मिलेगी। भाई एक एक ऐसा पल आ गया था जब मैं सोचा कि हाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मैंने इसका एंड देखा तो मैं खुद हैरान हो गया। और वाकई में ये फिल्म वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म हो गई है मेरी लाइफ की। आपका तो पता नहीं मगर मेरी लाइफ की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी हो गई। मैं इतना ज्यादा जोर देके क्यों आप लोगों को रिकमेंड कर रहा, क्योंकि ये मूवी जो मैसेज देती ना, वो मैसेज आप लोग समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए जो इसमें मैसेज बताया, वो मैसेज सभी लोगों को समझना चाहिए। और उसके अलावा जो जो चीजें इसमें देखा ना, वो दर्द, वो मतलब यार वो काबिले तारीफ है। मैं हिमांशु और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है जो व्यूवर्स, उनके तरह बोलूंगी आप लोग इसी तरीके से फिल्में सजेस्ट करते रहे, क्या कि हम लोग जो अच्छी फिल्में हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहे। उससे फायदा ये होगा कि ये जो फिल्में हैं इनको भी एप्रिशिएशन मिलेगा और इनके पीछे के जो लोग जो मेहनत करते हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी फिल्में बता सके। और एक्चुअली अगर जो अगर आप मूवी लवर हो तो ये सब फिल्में ही आपको देखना चाहिए, ना कि वो बॉलीवुड की कुछ चुतियाबा फिल्में या कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन जो चुतियाबा फिल्में उसको मत बढ़ावा दो। इस तरीके की अच्छी फिल्मों को बढ़ावा दो जो वाकई में डिजर्व करती आप लोगों का अटेंशन और आप लोगों का वक्त। तो बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको इस वीडियो में जरा भी खामी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अरहान एंटरटेनमेंट के 5000 सब्सक्राइबर होने ही वाले, बस कुछ 100 बाकी है,
कुछ 100 मतलब या 300 400 500 जो भी बाकी है, तो मुझे पता है वो भी इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। और हमारी जो ये फैमिली है अरहान एंटरटेनमेंट की आगे बढ़ते रहेगी और हम लोग हमेशा अच्छी अच्छी फिल्में सब तक पहुंचाते रहेंगे ताकि लोगों का एंटरटेन होते हो, ना ही कोई चूतियाबाज जैसी फिल्में। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से ही हमारे जो वीडियो है ज्यादा वायरल होते हैं और वायरल होने तक बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। तो प्लीज यार शेयर करो, और देखो नई भी पसंद है तो लाइक तो जरूर करो यार। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल से दुआ में याद रखना, बाय।